नमस्कार, बी टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते बी टाउन की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है। इस बोल्ड वीडियो को देख फैंस के बीच जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच अब अमिताभ बच्चन भी रश्मिका के सपोर्ट में आ गए हैं और फैंस के साथ मिलकर वीडियो एडिट करके लीक करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल शुक्रवार को रश्मिका मंदाना का एक वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो गया। क्लिप में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री ब्लैक कलर के डीप नेक टाइट जिम वेयर में लिफ्ट के अंदर आई। रश्मिका के इस बोल्ड वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस नाराज हो गए। वास्तव में वीडियो में वह रश्मिका नहीं बल्कि जारा पटेल है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सलमान, कटरीना और इमरान हाशमी स्टारर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म की बुकिंग 4 तारीख से शुरू हुई थी और 2 दिनों में ही इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में अच्छी कमाई की है। अर्जुन की फिल्म की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ गई है। खबरों की माने तो फिल्म को देखने पहले दिन पूरे 300 लोग भी नहीं पहुंचे। सेक्नल के ट्वीट के मुताबिक द लेडी किलर के ओपनिंग डे पर महज 293 टिकट बिके थे। ऐसे में फिल्म की पहले दिन की कमाई सिर्फ 38,000 रुपए रही। बिग बॉस OTT 2 विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों मुश्किलों में है। उन पर रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि एल्विश इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती दिखाई दे रही है। टीवी के जाने माने एक्टर अली मर्चेंट ने गुरुवार को लखनऊ में निकाह किया है। बता दें कि उन्होंने हैदराबाद की रहने वाली मॉडल अदलिब जैदी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। बता दें कि अली की यह शादी प्राइवेट सेरेमनी थी। इस शादी में केवल परिवार और खास दोस्त ही शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा खूब एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अपनी हर अपडेट साझा करती है। वहीं उनके अलग अलग लुक्स भी लोगों को दीवाना बना देते हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने हॉट लुक को शेयर करके इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। एक्ट्रेस की फोटोज तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, सेरेमनी का नाम केल्वन है। इसमें दोनों ही परिवार के लोगों ने खूब मस्ती और एंजॉय किया। नुपुर और इरा के बीच खूब प्यार है। दोनों ही अक्सर मस्ती करते हुए स्पॉट होते हैं। ऐसे में केल्वन सेरेमनी में भी दोनों का रंग देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा। उनकी जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। आम लोगों से लेकर सितारों से तक उन्हें बधाई मिली है। मैच के दौरान विराट ने पत्नी अनुष्का शर्मा के गाने के साथ ही शाहरुख खान के गाने पर भी कदम थिरकाए। उनके वीडियो पर एटली कुमार ने रिएक्ट किया है। ऐसे में अजय देवगन ने तब्बू को खास अंदाज में बर्थडे विश करते हुए पोस्ट किया है। अजय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर तब्बू के साथ एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक्टर ने लिखा, कभी कभी पहियों के पीछे, कभी कभी स्क्रीन के पीछे, लेकिन यह हमेशा एक रोमांच होता है। करीना कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तब्बू की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक हो प्रिय तब्बू, आपका दिन शानदार रहे। फिल्म मेकर फराह खान ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर तब्बू के साथ कई फोटोज शेयर की है। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।